सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। आज सब कुछ आपको बदला बदला सा लग रहा होगा, वैसे भी परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जब सब कुछ परिवर्तित हो रहा है तो क्यों नहीं हम अपने बैकग्राउंड को भी चेंज करें। हमने सोचा कि इसे भी परिवर्तित करें और बहुत समय से आप लोगों की इच्छा थी कि जो महापुरुष मेरे पीछे थे, जो बहुत उदास रहा करते थे, उनका चेहरा आप बदलना चाहते थे कि वो बहुत दुखी प्रतीत होते हैं और उन्हें हम जब देखते हैं तो थोड़े से नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, तो हम भी सोच रहे थे कि क्यों ना उनका भी चेहरा खिल जाए, इसलिए उन्हें अब हमने विदाई दे दी है और अब एक नए बैकग्राउंड के साथ हम आपके साथ आज समस्याओं से समाधान की ओर चलेंगे। और शुरुआत हम कर रहे हैं पुनः अनुभव से। आपको पहले भी पता है कि हम लोग लगातार भ्राता जी के अनुभव लेते रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से भ्राता जी ने अपने अनुभवों को रखा है जिससे हम लाभान्वित होते रहे हैं। आज भी भ्राता जी के अनुभवों को हम सुनेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आज की कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। थैंक यू भ्राता जी। बहुत बहुत सारे अनुभव अब तक हम सुन चुके हैं, लेकिन एक विशेष बात जो आप हमेशा ही दर्शकों को कहते हैं कि हम अपनी शारीरिक व्याधियों में भी राजयोग का प्रयोग करें। और मुझे ख्याल आता है कि बहुत समय पहले हमारे किसी दर्शक ने एक प्रश्न किया था कि राजयोग तो आत्मशुद्धि के लिए है, आत्मविकास के लिए है, आत्मोन्नति के लिए है, लेकिन आपने इसे शारीरिक व्याधियों के लिए भी यूज़ किया, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ईश्वरीय महावाक्यों में अनेक बार हमने सुना कि आत्मा ही शरीर को चलाती है जी। ये सत्य है कि राजयोग के द्वारा आत्मशुद्धि होगी, आत्मा का सशक्तिकरण होगा, आत्मा परफेक्शन की ओर चलेगी, लेकिन जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाएगी आत्मा के वाइब्रेशंस बॉडी को भी तो प्योरीफाई करेंगे, ये बात मेरी समझ में आ गई। फिर ये महसूस हुआ कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर यदि हम प्योर वाइब्रेशंस बॉडी को दें तो बॉडी में अनेक तरह की चेंजेज आएंगी। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह जान ली थी, पहले से भी पढ़ते थे वेदों में, वेदों की बात, कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो निरोग सत वर्ष तक जीता है, 100 वर्ष निरोग जीता है। तो मुझे जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तो धीरे धीरे ये बात में समझ में आ गई कि प्योरिटी इज द बेस्ट हीलिंग एनर्जी, पवित्रता सबसे सुंदर हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो योग से आत्मा में प्योरिटी बढ़ती है और प्योर वाइब्रेशंस देह को निरोग करते हैं। तो ये बात जैसे जैसे और क्लियर होती गई, मैं भिन्न भिन्न संकल्पों के द्वारा उसके प्रयोग करता रहा। जैसे देह में बहुत सारा वाटर है, 72% पानी है देह में, ऐसा मेडिकल साइंस मानती है, 70 से ज़्यादा। अभी ये पानी निगेटिव वाइब्रेशन से डर्टी हो जाता है, अनेक सेल्स डेड हो जाते हैं, कई चीज़ें पता चलती गई। तो जैसे जनरल नॉलेज बढ़ती गई, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत स्पीच देने आते हैं, वो जनरल बातें हमें सिखाते हैं, तो मुझे समझ में आया कि अगर चार्ज वाटर पिया जाए तो ये सारे वाटर को प्योरीफाई कर सकता है, इससे रोगों का निदान हो सकता है। फिर मुझे ईश्वरीय मदद बहुत अच्छी मिली,
ये तो पता चल गया कि जो परमात्मा है वही सुप्रीम सर्जन भी है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न हो जाता है और कोई डॉक्टर्स और कोई विधि उसको ठीक नहीं कर पाती, तो सब ऊपर की ओर देखते हैं, अब तुम ही ठीक करो। पता चल गया वो सुप्रीम सर्जन भी है। और मुझे पहले से ये गुड फीलिंग थी कि अगर श्री कृष्ण अर्जुन का मित्र हो सकता है, वो उसके रथ पर सवार है और उसको कहता है इधर धर्म है उधर ही मैं हूँ, और जिधर मैं हूँ उधर ही विजय है, तो मुझे लगता था अर्जुन भी कितना भाग्यवान था। बात केवल युद्ध की नहीं है, लेकिन पूर्ण जीवन में श्री कृष्ण जैसी महान आत्मा, देव आत्मा, उनका मित्र, तो मुझे भी होता था भगवान कहीं हमारा भी मित्र बन जाएगा क्या। तो ये एक आकांक्षा थी मन में। और जब ईश्वरीय ज्ञान मिला, परमात्म मिलन हुआ, उसके दिव्य अनुभूति हुई, और स्वयं उसने ये सुंदर बात कही, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, खुदा दोस्त हूँ, तो मेरे अंदर की वो प्रेरणाएं जागृत हो गई कि क्यों न भगवान को मित्र बना लिया जाए। तो मैंने 82 से ये मुझे विशेष रूप से हुआ, 82 में ईश्वरीय महावाक्य बहुत इस पर हुए, तो मैंने भी भगवान से नाता जोड़ लिया, वो मेरा सच्चा दोस्त है। और कहने के लिए नहीं, ये नहीं कि उसे कुछ मांगना है हम इसलिए दोस्त है, लेकिन जैसे यहाँ दोस्त होते हैं, बिल्कुल साथ रहते हैं, मन की हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, कितना प्यार होता है दोस्ती में। मुझे पता चला कि फ्रेंडशिप इज़ द मीटिंग ऑफ टू प्योर हार्ट, दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची मित्रता होता है। तो मैं सोचता था कलयुग में तो ऐसे मित्र मिलते नहीं, सब स्वार्थी होते हैं प्राय, लेकिन भगवान तो ऐसा मित्र है जो सचमुच अपनी मित्रता निभाता है। मुझे भी मित्रता निभानी है, उसे भी मित्रता निभानी है, तो दोनों की मित्रता दृढ़ हो जाए, वो एवर लास्टिंग हो जाए। तो मैं सोचा जैसा वो प्योर है, मुझे भी वैसा ही प्योर हार्ट बना देना है, उसके सिवाय मेरे दिल में कोई और न बसता हो। तो मैंने उसको खुदा दोस्त के रूप में भी, सुप्रीम सर्जन के रूप में भी, और फिर ऐसा फील हुआ कि उस पर हमारा अधिकार भी है। जब वो हमारा है तो उस पर हमारा अधिकार भी है। जैसे यहाँ हमारा कोई फ्रेंड हो और हम में कोई मुसीबत आ जाए, कोई समस्या में हम फंस जाएं, फट से उसे फ़ोन करेंगे, हाँ भाई ये हो गया, बोलो क्या करें, या ये मदद करो वो करो। तो मैंने एक काम चालू किया, कुछ भी बात हुई सीधा सुप्रीम फ्रेंड को फ़ोन करना, ये फ़ोन नहीं मन बुद्धि का फ़ोन, और तुरंत सुनवाई होती थी और बहुत अच्छे अनुभव होते थे। बिल्कुल। तो प्रताप जी, ये जो एक बात है, विशेष करके दो बातें आपने कही हैं, दोनों पे मैं प्रकाश चाहूँगा। एक तो जैसे आत्मशुद्धि की बात से आपने शुरुआत की कि आत्मा जब शुद्ध हो जाए तो शरीर ऑटोमेटिक जैसे उसके वाइब्रेशन जाते हैं, तो यदि हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं उससे आत्मा शुद्ध होती जा रही है, तो यदि आत्मा शुद्ध हो गई तो ऑटोमेटिक तो उसके वाइब्रेशन शरीर में जाएंगे ही और शरीर प्यूरीफाई होगा ही। तो क्या स्पेशली पानी को चार्ज करना या स्पेशली शरीर को वाइब्रेशन देने का संकल्प क्या आवश्यक? हाँ नहीं, इससे उसी तरह के वाइब्रेशंस बॉडी में फैलेंगे। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सभी को कि जब आत्मा प्योरीफाई होती है तो कभी कभी देह की जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकलती है भिन्न भिन्न रूप से। तो कभी कभी योग अभ्यास से बीमारियां बढ़ भी जाती हैं, एक्चुअली वो बढ़ती नहीं हैं, वो विदाई लेती हैं, वो जा रही होती हैं। तब मनुष्य की एक परीक्षा की घड़ी होती है। अगर मनुष्य इस बात को पूरी तरह नहीं जानता तो वो भगवान से विरुष्ट हो जाता है कि अच्छा तुमसे योग लगा, हम तो और ही बीमार हो गए। लेकिन ये उससे योग लगाने से बीमार नहीं हुए, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी। कई लोग ये कहते हैं ब्रता जी कि जैसे ही हम ज्ञान में आए, जैसे हमने मेडिटेशन शुरू किया, हमारे मन में और ज्यादा बुरे विचार आने लगे, बीमारियां बढ़ गई या समस्याएं बढ़ गई, विघ्न बढ़ गए, तो ये भी एक विपरीत अनुभव लोगों को। हाँ, बस ये विदाई लेते हैं क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, जो पूर्व जन्मों के कर्मिक अकाउंट का इफेक्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। तो कभी कभी ऐसा होने लगता है जैसे हम कोई नया मकान बनाना चाहें पुराने की जगह, उसको तोड़ रहे हों तो तोड़ने में कैसा लगता है, धूल फैलती है, कैसा लगता है, एकदम खंडहर हो गया, कैसा बुरा अनुभव हो गया, लेकिन जब नया बन जाता है तो बड़ा सुखदायी होता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, मुझे भी ये अनुभव हुआ। एक चीज़ और अनुभव हुई जो मैंने कभी पहले से पढ़ी हुई थी कि जब हम योग अभ्यास बहुत करते हैं, जब हम अपनी कॉन्शियसनेस
हैं इसको ऊपर ले चलते हैं ब्रह्मलोक में, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी यहाँ न होके वहाँ होता है। तो हम ऐसा कहें कि कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर यहाँ से एब्सेंट होता है। कभी कभी इससे भी बॉडी वीक हो जाया करते हैं, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर जब योग की एनर्जी हम में आएगी तो वो वीकनेस समाप्त हो जाएगी और हमारा बॉडी भी और पावरफुल हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव इस बारे में होते रहे। मैं एक हंसी का अनुभव सुनाना चाहता हूँ। पहले 69 की बात है, जब मैंने अपने परम पिता से खुदा दोस्त का नाता जोड़ा भी नहीं था, लेकिन उस अनुभव के बाद मुझे कैसी सुखद फीलिंग हुई होगी वो सब समझ सकेंगे। तो हमारे आबू में पानी बड़ा हार्ड वाटर था, हार्ड बड़ा जटिल सा था, पानी पी के सभी बीमार होते थे। हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था, हम तो छोटे थे, पानी पी रहे, डॉक्टरों ने कहा ज़्यादा पियो, हम ज़्यादा पी रहे हैं, वो ज़्यादा भी नुकसान दे रहा है क्योंकि वो बॉयल वाटर नहीं था, तब मिनरल की तो बात ही नहीं थी। तो मुझे बुखार रहने लगा। अब किसी को बताते तो नहीं थे, यंग वैसे थे, कोई चिंता नहीं करते थे, बुखार आदि की हो रहा ठीक है, सारा दिन सेवा की, बुखार उतर गया, फिर रात को लेट नहीं गए, फिर बुखार हो गया। हमारे यज्ञ में कोई मेडिकल फैसिलिटीज ये सब भी नहीं था, हमें लक्ष्य दिया जाता था तुम्हें अपने को योग बल से स्वस्थ रखना है, ये ईश्वरीय महावाक थे, ताकि हम बीमारियों से घबराएं नहीं, ताकि बीमारी आने पर हम डॉक्टरों की ओर ही ना देखने लगे, दवाई दवाई दवाई, हम योग बल के द्वारा अपने बॉडी को स्वस्थ करें। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ एक बहुत बुजुर्ग पुरानी बहन थी जो ध्यान में जाया करती थी, ट्रांस जिसे हम कहते हैं, तो वो सवेरे 3 बजे आकर जो हमारा योग कक्ष था, जिसे हम बाबा का रूम कहते हैं, जहाँ बाबा खुद निवास करते थे पांडव भवन में, वहाँ वो आकर योग करती थी सवेरे 3 बजे। तो जैसे ही वो योग करने गई तो ध्यान में चली गई, ट्रांस में चली गई, और शिव बाबा ने मुझे दिखाया और कहा बच्चे को बुखार रहता है, इसे 7 दिन तक देसी घी का हलवा खिलाओ। मेरे को भी ये बात बताई गई, मैं सोचने लगा बुखार की दवाई घी का हलवा, बड़ी अच्छी बात, बड़ी है, अच्छी औषधि। पहली बार मुझे दिया गया और मुझे याद है मैं पहले ही बार से ठीक हो गया, पता नहीं 7 दिन खाया भी या नहीं था। तो कितना प्यार हुआ होगा अपने परम पिता से, अपने सुप्रीम सर्जन से, कि हम जिस चीज का ख्याल नहीं करते एक्चुअली वो हमारी कितनी केयर करता है। लेकिन मैंने इसमें देखा कि यदि हम उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड हैं, पूरा बस वही वही, तो वो भी हमारे लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। दूसरा अनुभव मैं अभी अभी अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि देखिए कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल चीज़ें कैसे हमें मदद करती हैं बीमारियों को ठीक करने में। 3 दिन पहले ही हम मंडी में थे, मंडी हिमाचल में है, तो एक युवक मेरे पास आ, कहा एक छोटा सा अनुभव शेयर करना है। मैंने कहा बोलो। कहा मेरे राइट हैंड पर यहाँ बहुत मस्से हुए थे और 5 साल मैंने इलाज कराए और मैंने बहुत पीड़ा सहन की है, कांटे जैसे चुभा करते थे। कुछ डॉक्टरों से नहीं हुआ तो उसने कहीं हमारे प्रोग्राम में सुना ये बात, तो उसने रोज सवेरे उन आत्माओं से क्षमा याचना की जिन्हें मैंने कष्ट पहुँचाया है। कहा मैं रोज सवेरे उठता और संकल्प करता जिन्हें पूर्व जन्मों में मैंने कष्ट दिया वो सब इमर्ज हो जाओ और मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। और कहा 10-12 दिन में मस्से बिल्कुल ठीक हो गए, दवाई की जरूरत नहीं रही। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं। कुछ ब्लड में गड़बड़ है, क्यों ये हो रहे, डाइजेशन में गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, लेकिन पूर्व जन्मों की गड़बड़ है ये तो किसी को पता नहीं चल सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अनुभव में आई। मुझे एक अनुभव और याद आ रहा, ऐसे ही मुझे बुखार रहते रहते 18 दिन हो गए थे और दवाई तो हम लेते भी नहीं थे, वैसे भी नशा था, क्या करनी है दवाई, योग बल से ठीक करेंगे। अव्यक्त बाप दादा जब स्वयं निराकार ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके दादी के तन में आते हैं, बात बहुत साल पहले की है, 35 साल पहले की होगी। तो मैं थोड़ा दूर कोने में बैठा था और मुझे ऐसा ख्याल भी नहीं था कि बाबा की दृष्टि मेरी ओर भी आएगी। मैं ऐसे ही योग युक्त होकर मगन बैठा था, बुखार तो था ही तो आँखें भारी होती हैं, थोड़ा सा आँखें बंद करके बैठा था। अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। थोड़ा दूर था, ये दूरी होगी 30 फुट कम से कम, 30-35 फुट दृष्टि दे रहे हैं, और बस दृष्टि मिली और बुखार गायब। ये बहुत ही सुंदर अनुभव था। तो इन अनुभवों को देखकर
वो खुदा दोस्त है, वो हमारी बहुत केयर करता है, हमारा तो उससे प्यार है ही, लेकिन उसका हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो प्यार का सागर है। हमारे प्यार की तो लिमिटेशंस हैं, हम कंडीशन भी बहुत रख लेते हैं, उसका तो अनकंडीशनल प्यार है। तो बहुत सारे सुंदर अनुभव जो होते रहे, प्यार में वृद्धि होती रही। ब्रदर जी, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोनों प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बात ये कि ये भी कहा जाता है कि मनुष्य का अपना कार्मिक अकाउंट है और वो उसे भोगना ही है, और इसमें भगवान अपनी तरफ से इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम उसकी मदद की भी बात करते हैं, जैसे आपने इतने सुंदर सुंदर अनुभव बताए कि वो हमें मदद भी करते हैं। तो दोनों बातों को कैसे हम समझें कि कहाँ हमें अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करना है, कहाँ और कैसे उसकी मदद भी मिले। बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है, और सचमुच मैं भी इन बातों पर विचार किया करता था। फिर एक गीत सुना करते थे भक्ति में कि भगवान को भक्तों के प्यार में नियम बदलते देखा, एक बहुत सुंदर गीत है श्री कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, कि कैसे भक्तों के प्यार में नियम छोड़े और अब तो मदद करनी है, नियम वियम बाद में देखे जाएंगे। तो मुझे इस पर विश्वास होता गया। तो योग अभ्यास के द्वारा हमें सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उससे हमारे पूर्व के कर्म नष्ट होते रहते हैं, विकर्म, इससे हमारे कई कर्मों के खाते, बीमारियां, विघ्न स्वतः ठीक होती रहती हैं। ये तो हमें करना है, इसमें परमात्मा हमारी बीमारियों को ठीक कर रहा है वो बात नहीं है, ये हम उससे शक्तियां लेकर अपने कर्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब हमारा उससे बहुत प्यार हो जाता है, तो स्पेशल केस में, और ख़ास करके अब जब वो स्वयं इस धरा पर आया है, जब वो सभी आत्माओं के दुख हरने आया है, जब वो सभी को प्योरीफाई करने आया है, जब वो सभी को उनके जन्म जन्म की भक्ति का फल और प्यार देने आया है, सत्य ज्ञान देने आया है, तब बात कुछ और है। तब केवल वो साक्षी होकर देखता ही नहीं, बल्कि हम सबको बहुत मदद भी करता है, और इस मदद के अनुभव हजारों बार तो मुझे भी हो गए हैं, और हमारे संपूर्ण ब्राह्मण परिवार में ऐसे लाखों अनुभव हुए हैं चमत्कृत, जब सभी ने महसूस किया परमात्म शक्ति स्वयं से बाबा कैसे खुदा कर किसी के माध्यम से या दूसरों की बुद्धि को बदलकर हमारी मदद करता है। तो अब के समय को ये स्पेशल देन है कि भगवान को हम अपने प्यार में बांध लेते हैं, और जो ये नियम है कर्मों की गति का, वो तो सदा है ही, लेकिन उसकी मदद भी साथ में जुट जाती है। तो इस मदद को भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि आपने भी बहुत प्यार उनसे किया, उनके लिए बहुत कुछ किया, अपने संपूर्ण जीवन को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया, और निश्चित रूप से जो भगवान के काम आते हैं भगवान तो उनकी मदद करेंगे ही, लेकिन एक आम व्यक्ति जो आज अपने घर में है, परिवार में है, बिजनेस में है, वो यदि ऐसी ही मदद भगवान की प्राप्त करना चाहता है, ऐसे ही भगवान को अपना दोस्त बनाना चाहता है, क्या करे वो? बस इसमें ये करना चाहिए कि अपने काम धंधे करते हुए कुछ समय परमात्म अर्थ भी डिवोट करें। बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो समय तो जरा भी नहीं देते और भगवान की मदद ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करते, प्यार भी नहीं रखते, उनका प्यार भी बटा होता है या विकारों को भी नहीं छोड़ते, और भगवान की मदद चाहते हैं। देखिए, भगवान की मदद तो उन्हें मिलती है जिन्होंने उससे गहरा नाता जोड़ा हो, और एक सिंपल कर्म गति के अनुसार जो उसके कार्यों में मदद कर रहे हैं उनको भी भगवान की मदद पूरी मिलती है। लेकिन तीसरी इम्पोर्टेंट बात भी है कि जो इन मनोविकारों का त्याग करते हैं उनको उसकी मदद बहुत मिलती है। स्वयं भगवान के महावाक्य हैं कि पवित्र आत्माएं तो जैसे मुझे आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, तो जो बहुत पवित्र हैं, चाहे वो बहुत इनोसेंट ही क्यों ना हो, वो चाहे बिना पढ़े लिखे हों, बहुत भोले हों, लेकिन जो बहुत पवित्र हैं, भगवान उनके प्यार में बंध जाता है। ये भागवत में बहुत सारी कहानियां हैं गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण की, और भी बहुत सारी उनकी कहानियां हैं। तो भगवान को अपने प्यार में बांधने के लिए कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। मुझे एक फ़ोन आ रहा है, दो तीन दिन से एक बिजनेसमैन बात करता है, मैं सवेरे 6 बजे दुकान खोल देता हूँ, रात को 8 बजे घर में आता हूँ, मेरे पास कोई समय नहीं है ज्ञान और योग का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बाबा मेरे लिए
मुझे ये करे। पहले तो कहा मैं धनवान बनना चाहता हूँ, क्या करूँ। मैंने उसको पहले तो कहा तुम जितना धनवान बनने की सोचते हो, अगर इतना ही तुम ईश्वरीय खजाने प्राप्त करने की सोचो तो कमाल ना हो जाए, धन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म के लिए तुम संपन्न रहोगे, समृद्ध रहोगे, संपत्तिवान रहोगे। तो क्या होता, मैंने उसे कहा 4 घंटे तो दो भगवान के लिए, 6 बजे दुकान खोलने की क्या जरूरत है, 9 बजे खोलो, 10 बजे खोलो, कुछ अपने लिए भी समय दो, कुछ उसके लिए समय दो, कुछ विश्व कल्याण के लिए समय दो, तब तो तुम्हारा कल्याण होगा। कहा नहीं, काम ही ऐसा है, दुकान तो खोलनी पड़ती है, अब इन बहानों से तो काम नहीं चलेगा ना। तो इसको गृहस्थ में रहने वाले इस चीज को चेंज करें और वो समझ लें, अगर थोड़ा समय वो अपने लिए देंगे, परमात्मार्थ देंगे, तो कार्यों में 10 गुनी 100 गुनी सफलता होगी। बिल्कुल, इस चीज को भी शायद समझने की आवश्यकता रहता है जी, क्योंकि लोग शायद वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और परमात्मा से मांगते तो बहुत रहते हैं, लेकिन ये उनके लिए समय देना, ध्यान लगाना, योग करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात जो भ्राता जी आपने कही शुरुआत में, जो आप कह रहे थे कि योग बल से ही संपूर्ण बीमारियों पर विजय प्राप्त करनी है, ये आपने ईश्वरीय महावाक्यों में भी सुना, तो क्या योग बल से ही सभी बीमारियों को जीता जा सकता है और दवाइयों मेडिसिन आदि की कोई आवश्यकता नहीं? नहीं, सबके केसेज में ये बात नहीं कही जा सकती कि दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर हम योग बल बहुत बढ़ाएंगे तो दवाई भी बहुत अच्छा काम करेंगी। इसलिए हम ये नहीं कहते आप दवाई बिल्कुल ना लो, लेकिन हम ये भी अपने को तैयार करना चाहते हैं कि एक समय ऐसा भी संसार में आ रहा है जब डॉक्टर तो होंगे, मेडिसिन नहीं होंगी। सब कुछ होगा, धन रखा होगा, संबंधी बैठे होंगे, डॉक्टर खड़ा होगा, इंजेक्शन लिए खड़ा होगा, लेकिन इंजेक्शन है ही नहीं। ऐसा समय आएगा, ऐसे समय में योग बल काम करेगा, भिन्न भिन्न रूप से काम करेगा। योग बल श्रेष्ठ होगा तो दवाइयां भी प्राप्त होंगी, योग बल श्रेष्ठ होगा तो टाइम पे डॉक्टर भी ठीक डिसीजन लेंगे, उनका डायग्नोसिस परफेक्ट होगा, योग बल अच्छा होगा तो दवाई परफेक्टली काम करके मनुष्य को निरोग भी कर देंगे। इसलिए दोनों चीजों को अब यूज करना चाहिए, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। योग बल से अगर सब कुछ ठीक करना तो योग बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसा योग जिसमें 10-12-16 घंटे मनुष्य राजयोग का अभ्यास रोज करे। अब वो तो सबसे नहीं होगा, कोई ऐसे ही सोचे कि हम तो योग लगाने लगे और हमारी बीमारियां सब नष्ट हो जाएं, ये तो होगा नहीं। इसलिए योग बल भी बढ़ाएं, दवाइयों का भी सहारा लें। दूसरी बात यह कि योग बल से हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत आएगी, हम हा हा नहीं करेंगे, ऐसा रेडीपन का अभ्यास करेंगे तो पेन होगा ही नहीं। ये मेरे बहुत अनुभव हैं कि बड़ी बड़ी चीजें हुई लेकिन मुझे पेन नहीं हुआ, मेरी बैक में भी 8 जगह मन के इधर उधर हो गए थे, हम मुझे पता ही नहीं चलता था, जो चेक करता था कहता तुम जीते कैसे हो, मैं तो बड़े मजे से जी रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, 8 जगह गड़बड़ हो रही है, मैं कहता ठीक कर दो भाई। तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था जो ठीक भी करता था। ब्रदर जी, एक विशेष बात कि जैसे आप परमात्मा को ऐसे खुदा दोस्त के रूप में यूज करते हैं, उन्हें याद करते हैं, मदद लेते हैं, एक आम व्यक्ति, चलिए आपने बहुत सारी बातें कही कि उनके लिए समय दिया जाए, प्यार किया जाए और बहुत सारी जो विकारों का त्याग किया जाए, लेकिन वैसे यदि मैं उन्हें चाहूँ, जब मैं बहुत विपत्ति में हूँ, परिस्थितियों में हूँ, बहुत बीमार हूँ और उन्हें याद करके उनकी मदद लेना चाहूँ, तो क्या विधि होनी चाहिए? सच्चे मन से उनसे नाता जोड़कर आह्वान किया जाए, और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि मान लो हम उनके लिए कुछ नहीं भी कर रहे हैं, हम अपने विकारों का त्याग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम पुण्य कर रहे हों, तो हमारी आवाज को सुनकर वो समय पर दौड़ा चला आएगा। जैसे दिखाया है कि गज को ग्राह ने पकड़ लिया था, उसने फूल अर्पित कर दिया और पुकारा प्रभु आ जाओ, और प्रभु जी नंगे पैर दौड़ आए, लक्ष्मी जी पूछती है चप्पल तो पहन लो, बाद में पहनूंगा, भक्त पर भीड़ पड़ी है। तो अगर कोई सच्चे मन से अपने परमात्मा परम पिता को खुदा दोस्त को याद करता, उसका आह्वान करता है तो वो उपस्थित होता है। किस स्वरूप में याद करें, अब बहुत सारे स्वरूप हैं हमारे सामने, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सारे, तो कैसे, किस स्वरूप में याद? देखिए भक्ति में तो जिसकी जिसमें भावना है उनको उनके द्वारा थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन सर्वशक्तिवान की मदद तो फिर अनंत ही होगी। हम उनसे नाता जोड़ लें और उनका आह्वान करें तो निराकार परम सत्ता
ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके हमारे पास आ जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत अच्छा और लंबे काल का अभ्यास करना पड़ेगा कि हम सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को यानी ब्रह्मा को और शिव बाबा को बहुत अच्छी तरह देखें, उनसे बात करें, उनसे अनेक वरदान लें, यानी क्लियर विजुअलाइजेशन होने लगे, हमें ऐसा लगने लगे कि हम वहाँ पहुँचे तो जैसे हम उन्हें देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सेकंड में वहाँ गए और कहा आ जाओ तो वह सेकंड ही लगेगी आने में, और उनका आना माना ही समस्याओं की समाप्ति। कईयों का ये विजुअलाइजेशन नहीं होता रहता जी, कि जैसे आपने कहा सूक्ष्मतन में चले जाओ, स्पष्ट रूप से देखो, तो ऐसा एक विजन ही क्रिएट नहीं होता, कई बार ये अनुभूति नहीं होती, तो ऐसे में ये बहुतों की समस्या है कि उनको विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होता। और इसका कारण यही है कि बुद्धि जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का चक्षु है, जिसके द्वारा हम विजुअलाइज करेंगे, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म लोक या ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहाँ के अनुभव करेंगे, उसमें अगर बहुत निगेटिविटी भर ली है, उसमें अगर व्यर्थ भर लिया है, उसमें अगर दूसरों के लिए घृणा भाव, बदले का भाव, ईर्ष्या भाव, नफरत, ये सब भर लिया है, तो वो जो हमारा थर्ड आई है वो मलिन हो जाता है। जैसे ये आंखें थोड़ी भी गड़बड़ कर रही हों तो हमें देखने में कठिनाई होती है, वैसे ये थर्ड आई जब गड़बड़ करने लगती है, मनुष्य इसमें गंदगी भर लेता है, तो विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होता। इसलिए ये विजुअलाइजेशन थोड़े लोगों को क्लियर होता है जो अपनी बुद्धि को बिल्कुल प्योरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब सफाई की आवश्यकता है। एक अंतिम बात रहता है जी, हर एक व्यक्ति अनुभव तो करना जरूर चाहता है, चाहे वो विद्यालय से जुड़ा हुआ है, ज्ञान योग के मार्ग में चल रहा है, अथवा गृहस्थ में है, तो दोनों ही अनुभूति कैसे सहज कर सकते हैं? वैसे भी ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी अनुभूति हो योग की, लेकिन सबको ये नसीब नहीं होता, बस कैसे हो? इसके लिए एक छोटा सा नियम बना लें कि सवेरे 4 बजे से पूर्व उठना ही है, उठ के अपनी बेड छोड़कर बाहर आ जाएं, बाहर ना हो तो घर में बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, अपने खुदा दोस्त से बातें करें, प्यार भरी बातें करें, लगे हमें उससे बहुत प्यार है तो उससे हमारा नाता जुड़ता जाएगा, हम उसके समीप होते जाएंगे, उसके डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, और हमारा आह्वान करते ही हमें लगेगा वो आ गया। जी जी जी, बहुत सुंदर आपके अनुभव लग रहे हैं कि सुनते ही रहें और साथ ही समाते रहें और हम भी ऐसी अनुभूति की ओर बढ़ें, ऐसा सुंदर एक प्रेरणा प्राप्त हो रही है आज के सुंदर अनुभव के लिए। बेहतर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में अनुभूति का जो विषय है, कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो जब जीवन में अनुभव प्राप्त हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और मन का जो भटकाव है ना वो बंद हो जाता है। और वास्तव में जो आज प्राता जी कह रहे थे कि ईश्वर खुदा दोस्त के रूप में हमारी मदद कर सकते हैं, ये सर्वमान्य है। वास्तव में हम भक्ति में भी थे या फिर उस जीवन में भी थे तो भी हमें लगता था कि वास्तव में परमात्मा ही हमारी मदद करने वाले हैं। एक सुंदर सा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अंत में। एक सज्जन अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पिकनिक करने के लिए बीच पे गए हुए थे। उनके 2 बच्चे सागर के थोड़े अंदर चले गए, किसी ने कहा कि भाई अंदर जा रहे हैं, इनको बाहर निकाल लो क्योंकि लहरें बहुत तेज हैं। वो अंदर गए, दोनों बच्चों को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद लहरों के साथ साथ काफी अंदर चले गए। उन्हें तैरना आता था लेकिन वो तैर के बाहर नहीं आ पाए, और जब अपनी शक्ति से बाहर नहीं आ पाए तो उन्होंने मदद के लिए सबको पुकारा। उनके सभी संबंधी किनारे पे खड़े हुए थे, उनकी पत्नी थी, उनके दूसरे रिलेटिव्स थे, लेकिन कोई भी अंदर बचाने के लिए नहीं आया। फाइनली उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और ईश्वर को याद किया कि हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। सागर का बहुत पानी उनके अंदर चला गया था, खारा पानी, जिससे वो बेहोशी की हालत में आ गए थे। जैसे ही उन्होंने ईश्वर को याद किया, तटरक्षक बल के जो सदस्य थे वो कहीं से आए और उन्होंने उनको बचाया, बाहर लेके आए, हॉस्पिटलाइज किया गया उनको। जैसे ही उनकी आँखें खुली बेहोशी के बाद, वो बाहर आए, तब उन्होंने एक ही शब्द कहा कि वास्तव में ईश्वर ही सच्चा मालिक है, सच्चा रक्षक है। कहने का भाव मित्रों, ये एक सच्चा अनुभव है। ईश्वर
हर पल हमारी मदद के लिए हमारे साथ हैं, लेकिन हम कितना उनके लिए वक्त निकालते हैं, कितना दिल से उन्हें याद करते हैं, कितनी हम उनकी बातों को मानते हैं, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। क्योंकि मित्रता दोनों तरफ से होती है, वो तो अपनी मित्रता निभा रहे हैं, क्या हम भी अपनी मित्रता सच्चे दिल से निभाना चाहते हैं, क्या हम भी सच्चे दिल से उन्हें उतना ही चाहते हैं जितना वो हमें चाहते हैं, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। नमस्कार।